संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। देवों का देव महादेव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम की स्वीकार कीजिए, महादेव स्वीकार कीजिए। साथ साथ मैं यह भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए, महादेव स्वीकार कीजिए। इतना ही उपस्थित गुरु भाई हो, गुरु बहना हो, जहाँ तक वाणी आवाज जाता है उनको चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए, महादेव स्वीकार कीजिए। साहब नरेंद्र भाई अलीलम दीदी को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए, महादेव स्वीकार कीजिए। साहब नरेंद्र भाई अलीलम दीदी के माध्यम से मात्र हम तीन सुख मिला है कि पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में एक दूसरे से बताना है जो हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, अब भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमल के गुरु, जगत के गुरु, जगत के मालिक है, हमको भी दया दी हैं, आपको दे सकते हैं। तीसरा सूत्र में मन ही मन 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दया अपना लिए मांगना है, चर्चा समाज के लिए करना है, नमन गुरु के लिए करना है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक शिष्या बहन थी या एक गुरु भाई, वो अपना मंदिर में पूजा कर रही थी। तो पूजा कर रही थी तो महादेव बहुत ऐसा झाड़ जंगल से पहाड़ से उतर के आए और पहाड़ के नीचे जंगल में बैठ गए। वहाँ पर एक मंदिर था और दोनों शिष्या बहन गुरु भाई पूजा कर रहे थे। तो वो शिव गुरु की मंदिर में जाकर एक गौ माता आ गए और जंगल में चर रहे थे। तो बोले कि से ये बताइए गुरु भाई से, गुरु बहना से पूछने लगे गौ माता, ये बताइए जे ये चर्चा करने से क्या होता है, इसमें फायदा क्या है, हमको बता दीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहना बोले जे चर्चा करने से गौ माता इसमें बहुत फायदा है, धन दौलत जो मांगिएगा महादेव से, दया जो मांगिएगा वो पूरा होते हैं, महादेव दया करते हैं। आप भी मान के देखिए, हम तो मांगते हैं इस मंदिर में आसन लगा करके ही, तीन सुत की वाणी ही सभी गुरु भाई गुरु बहना को बताते हैं और ये जंगल में ही बताते हैं और जंगल झाड़ भी सुनते हैं हमारी चर्चा, आप भी सुन लीजिए। तो जब तीन सुत के वाणी बताएं ना गुरु बहना गौ माता के, तो गौ माता भी उनको वहीं पर ही मुक्ति हो गए। चर्चा सुनने के बाद उनको गौ माता की मुक्ति हो गए। तो गौ माता फिर वो तो महादेव थे, गौ माता थोड़ी थी, वो तो महादेव थे, उनको जांचना था। तो फिर वहाँ पर गए आगे और बेल के पेड़ पर ही कौवा बोल रहा था। तो वहाँ पर गए और कहें जे इस पर ये तो बताइए कौवा जे चर्चा करने से क्या फ़ायदा होता है। तो कौवा को भी गुरु बहना बताएं जो सुनिए, आप भी तीन सुत का वाणी महादेव के ही कीजिए, हर चीज़ ही जो मांगिएगा महादेव से दया करेंगे, हमको भी दया दी हैं, आपको भी दे सकते हैं, दया मांग कर देखिए। तो जब तीन सुत के वाणी बताएं ना, जो पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है, जैसी रुद्राक्ष की माला लेकर आसन लगा करके और कौवा को बताएं, उस तरह ही कौवा उसी समय ही मुक्ति कौवा की भी हो गया। इसके आगे गए और ही कनेल के पेड़ तर ही एक बूढ़ी थे, जैसे महादेव की जचना थे, वहाँ पर बैठ करके अपना रो रहे थे। तो यहाँ से गया कहे किसी तो बताइए जो आप यहाँ पर क्यों रो रहे हैं। तो हम रोते हैं इसीलिए जो महादेव की मंदिर में आप चर्चा कर रहे थे, तो हम देखें जितना शिष्या बहन चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा हम भी महादेव से दया मांग लेते तो महादेव हमको यही चलने फिरने का ही साहस नहीं है, तो हमको महादेव ही दया कर देंगे, तो हम भी चलने फिरने लगे तो महादेव के मंदिर में जाकर हम भी पूजा करेंगे, उनसे तीन सुत का वाणी मांगेंगे और पोता पोती और ही हर चीज़ ही दया उनके से मांगेंगे, मेरे पास में पोता भी नहीं है। तो महादेव ही बोले किसे सुनिए, तो वहाँ पर चर्चा के मंदिर के पास जाइए, आप पर भेभूत लगा करके
और अपना जहे से चौकट की मुहार पर ही आप लगा दीजिएगा, पांच जगह वो भेभूत लगा दीजिएगा। उसी समय उन बूढ़ी को साहस भी मिला, आंख दिए भी दिखाई देने लगा और उनको पोता भी जन्म लिए। तो महादेव को चर्चा में ही तीन सूत बताएं और बूढ़ी के भी जब जो पोता जन्म ले लिए तो बूढ़ी के भी मुक्ति हो गया। तो बूढ़ी के मुक्ति हुआ तो बूढ़ी बताए भी नहीं थे जो हम महादेव से ही पोता मांगे थे और ये भेभूत लगाए तो हमको पर महादेव दया किए। तो बोले जी भेभूत में क्या इसमें है जो भेभूत लगाने से ये होता है, तो हर दुख कलेक में ही लगा लेने से दुख दूर करते हैं, महादेव में दया करते हैं। तेरा बाद जैसे किसी को नहीं कहें जो हमको चर्चा माने हुए हमको पोता हुआ। तो महादेव की दया से महादेव जी से रात में अपना सपना रूपी में आया, कहें शिष्या बहन के जे देखो तुम्हारी सासू माँ ही मर गए, महादेव से ही दया मांगकर पोता मांगकर ही मर गए। और जब जे तीन सुत के बानी सुने तो उनको बूढ़ी की भी मुक्ति हो गए, लेकिन माना हुआ पोता है उनको ही चर्चा कराना है। तो महादेव की दया से वो चर्चा करवाएं और चर्चा करवा करके तकरा बाद पोता के वहाँ पर मंदिर के पास बैठा दिए। बैठा करके तो महादेव बोले जी देखो उसको रुद्र का माला ना हाथ में पहनाइए, कम से कम गला में इनको पहना दीजिए या हाथ में पहना दीजिए, और तीन सुत के बानी जन्म लेते हुए उनको शिष्य बना दिए पोता को। तो उसी दिन से महादेव को तीन सुत के बानी सभी दीदी गुरु बहना के हर जगह जाकर के मंदिर में जाकर जपने लगे और सबको बताने लगे और कहें जो महादेव में जुड़िए आप लोग भी और तीन सुत के बानी बताइए। तो महादेव में जुड़ने से महादेव को ही तीन सुत का बानी कहने से शरीर का ही हर जगह कष्ट से उकरीम होते हैं और मुक्ति भी अच्छी तरह से होते हैं। धन दौलत जो मांगेगा वो महादेव दया करते हैं। इतना कहकर समाप्त है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।